पता है आज देर हो गई है। अरे मेरी धनो, सॉरी बाबा लेट हो गई। अब क्या होगा कुछ पता नहीं। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं ठाकुर साहब, कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हम पहले यहाँ आ चुके हैं। लेकिन ठाकुर साहब आपने मुझे यहाँ अकेले क्यों बुलाया, जैको नहीं? क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है। अब क्या काम है? गब्बर को तो हमने आपको पकड़ के दे दिया, अब क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें बब्बन को पकड़ना है और वो भी जिंदा। अब ये बब्बन कौन है? गब्बर सिंह का बड़ा भाई बब्बन। उसने तो गब्बर सिंह का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। लेकिन उसको तो मैं जानता तक नहीं हूँ। वो मेरी छोटी बेटी बता देगी। बेटी जी? इन्हें आग पिक्चर दिखा देना रामू की। नहीं डॉक्टर साहब, मैं समझ गया, मुझे नहीं देखनी। अगर आप कहेंगे तो राइटर डायरेक्टर दोनों का आपके हवाले कर दूंगा, एक के साथ में दो फ्री मेरी तरफ से। इस बार इसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा ताकि दोबारा वो गब्बर सिंह की नकल करने की हिम्मत नहीं करे। मैं तो कहता हूँ उसके पूरे खानदान को ही खत्म कर दीजिए, वरना फिर कोई प्रोड्यूसर पैसे लेके जाएगा, फिर वो बिना पैरों का बब्बन की जगह ललन बन जाएगा। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो उसे ऐसे मारूंगा कि उसके पूरे खानदान में कोई डाकू नहीं बनेगा। नहीं वीरू, तुम उसे नहीं मारोगे, तुम उसे जिंदा पकड़ कर लाओगे मेरे पास, समझे? जी। बेटी माधुरी। जी बाबूजी। इन्हें अपना गेस्ट रूम वाला कमरा दिखा। जी ठीक है। और वीरू जी, ये रख लो अपने पास, तुम्हारे काम आएगी। बाबूजी मैं इनको कमरा दिखा के बगीचे में जाके आती हूँ। ठीक है बेटी जाओ। चलिए आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। ये रहा आपका कमरा। और हाँ सुनो, तुम्हें और एक काम करना है। अब और क्या? उस रिक्शे वाली बसंती को ही पकड़ना है क्या? अरे उसे नहीं, मुझे पकड़ना है। मेरा मतलब है, मेरा ख्याल अब तुम्ही को रखना है। अच्छा, इसका मतलब जय का रोल भी मुझे ही करना है। हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। हैंडसम। चल ताड़ी पीते। हाँ चल ताड़ी पीते। हाँ चल चल। चल दो 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 अपन नहीं पाए। क्या है तेरी कहानी?
कौन हो तुम? बीच में क्या कर रही? अच्छे खासे शॉट की वाट लगा दी, ये शूटिंग चल रही है। सेटिंग, स्पॉट, क्या ध्यान रखते हो यार? रनिंग शॉट में कोई घुस जाता है, साइड में आओ। सब बेवकूफ लोग सोने आते हैं सेट पे। अभी एक टेक और लेते हैं और फाइनल चाहिए मुझे। अरे क्या आर्टिफिशियल कर रहे हो यार? टेक करते हैं, चलो। ओके दादा, वन मोर। चलना, क्या देखती है? साइलेंस, स्टार्ट साउंड, एक्शन। छोड़, इसी तरीके से मान जा, छोड़, वरना जान से हाथ धो बैठेगी। बचा, बचा। वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। चल निकल। सांबा, ये तो वही है ना साहिल लौंडा, अकेला। कहाँ है दूसरा? तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। चल कालिया, बब्बन ठाकुर को बता देते हैं, ये शहरी लौंडा वापस गांव में आ चुका। हाँ ठीक है। अरे जा और जाकर कह दे तेरे सरदार से कि इस बार तेरा नाम और इज्जत मिटा दूंगा। क्या बिरू, और थोड़ी देर बाद में आना था ना, थोड़ा और स्ट्रगल होता तो मजा आ जाता। बहुत जल्दी आ गए। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूँ, डायरेक्टर ने कहा था एंट्री के लिए। करेक्ट सर, ये सीन करना है अभी। बता। ये वाला ऊपर आके बोलेगी, इधर साइड में खड़ी रहे। दादा शिफ्टिंग। बाबूजी, आज फिर उन डाकुओं ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या? तुम्हें कितनी बार बोला है बगीचे में अकेली मत जाया करो। पहले तो जय था, वो तुम्हारा ख्याल रखता था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा, उसने भी पार्टी बदल दी। ठाकुर साहब, मैं हूं ना, आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं ख्याल रखूंगा माधुरी का। ठीक है, और हाँ, शाम को मेरा आदमी तुम्हें कुछ और हथियार दे जाएगा, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मांग लेना। जाओ, जाके आराम करो। ठीक है, प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम, जाओ। हेलो सर। सर सीन कैसे हुआ? ठीक हुआ, फीलिंग्स और चाहिए थी। ऐसे लग रहा था वो नहीं उठा रहा जैसे तुम उनके साथ जा रही हो, थोड़ा और स्ट्रगल चाहिए था यार। फेस पे कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं, खाली ऐसी फ्लैट खड़ी थी। रेप कर रहे थे वो तुम्हारा? सर मैं करने ही वाली थी, लेकिन वो हीरो की एंट्री जल्दी हो गई सर। जब तुम्हारे रिएक्शन ही कुछ नहीं थे तो हीरो को भेजना पड़ेगा ना, फालतू में टाइम और स्टॉक वेस्ट करके क्या फायदा। सॉरी सर, एक टेक और लेते हैं प्लीज सर। ले लीजिए, एक टेक और ले लीजिए। एक काम करो, तुम ही ले लो। सॉरी सर, सॉरी। हमको सिखाते हो क्या? सॉरी सॉरी यार, अभी नहीं, बाद में। पहले इसकी थोड़ी रिहर्सल करवाऊंगा, उसके बाद टेक करेंगे। थैंक यू सर, दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ऐसा करूंगी जैसे रियल हो रहा हो। ठीक है, पैकअप के बाद आ जाना। ड्रिंक्स करती हो? हाँ सर, कभी कभी कर लेती हूँ। ओके, पैकअप के बाद रूम में आ जाना, खाना साथ में खाएंगे। ओके सर, बाय बाय। चले चलना, बोलना पड़ेगा क्या तेरे को? प्रणाम ठाकुर साहब, माल लाया हूँ। माधुरी, ओ माधुरी। जी बाबूजी, आई। साथ में उस वीरू को भी बुला लेना। ठीक है बाबूजी। बराबर माल लाया ना? जी जी। कुछ कम तो नहीं ना? नहीं सर। प्रणाम ठाकुर साहब, क्या हुक्म है मेरे लिए? प्रणाम, ये लो सामान, इसे अच्छी तरह से चेक कर लेना। माधुरी, इनके लिए चाय वगैरह ले आओ। नहीं ठाकुर साहब, जरा जल्दी जाना है, फिर कभी। जैसी तुम्हारी मर्जी। माधुरी। जी बाबूजी। तिजोरी में पैसे रखे हुए हैं, इसमें से एक पैकेट इनको दे देना। ठीक है बाबूजी। जाइए। प्रणाम ठाकुर साहब। वीरू, ये सामान तुम अपने कमरे में रख देना। ठीक है। ए!
अरे और इंस्पेक्टर को हटाना। अरे अरे उधर लेके जा, उधर लेके जा। दादा कितना टाइम लगेगा यार? ऐसा करोगे तो मेरा बजट गड़बड़ा जाएगा। काम की स्पीड रखो यार, अभी तो तुम जवान हो। हमको देखो 300 साल हो गए फिर भी है ना स्ट्रांग। सर आपकी बात अलग है, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। क्या अलग है? जैसे तुम इंसान हो वैसे मैं भी इंसान हूँ। क्या तुम्हें शैतान नजर आता मैं? अरे तुम तो रात को सोते हो, मैं तो रात भर मेहनत करता हूँ, और ऊपर से कहते हो मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। सर एक बात बताइए, आपकी सेहत का राज क्या है? आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं जो 300 साल तक जीते? मैं तुम्हारी तरह दारू नहीं पीता है? मैं लड़कियों का खून पीता हूँ इसलिए जिंदा हूँ। बात करते हो, लेकिन सर आपके चेहरे को देख कर नहीं लगता कि आप 300 साल के हैं। ऐसा लगता कि अभी आप 150 साल के हैं। वो क्या है ना, मैं 50-50 साल में कब्रिस्तान में जाके अपने चेहरे की सर्जरी करवाता हूँ, समझे? सर ऐसी बातें मत करिए, मुझे बहुत डर लगता है भूत और प्रेतों से। 300 साल के आदमी के साथ काम करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों? जवाब दो। सॉरी गलती हो गई सर, चलिए ना शॉट रेडी है, चलिए। सॉरी बोल दिया, काम खत्म। सर कल से परेशान हूँ, हीरोइन का फोन ही नहीं लग रहा है। अरे तो उसके घर पे जाके मैसेज रखो यार। सर लैंडलाइन नंबर नहीं है उसका। ऐसे लोगों को काम ही नहीं देने का जिसका लैंडलाइन नंबर ना हो। एक काम करो, उसको SMS भेजो और फौरन रिप्लाई देने बोलो। ओके सर। और फोन भी ट्राई करते रहना। यस सर। जाओ जल्दी। हाँ दादा क्या बोल रहे थे तू भूत प्रेतों के बारे में? कुछ नहीं मेरे बाप, गलती हो गई। चलिए शॉट रेडी है, टेक करते हैं, चलिए चले। हाँ चलिए। इन दोनों के चक्कर में मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। कुर्सी लाना बे। बैठ जा बैठ जा, खड़ी मत रहे सर पे, लपेट ला। लीजिए सर। अबे रेडी हो गया? हाँ सर, लाइटिंग रेडी हो गई, चलिए। अरे हाँ बाबा मालूम है मुझे, दिख रहा है रेडियो। रुको जरा, हीरोइन आई नहीं। ठीक है बैठो 5 मिनट। हाँ। ए कुर्सी ला। हाँ अबे कहाँ जा रहा? ए इधर रख, इधर। हाँ रख। वो माधुरी क्या बोल रही थी? क्या बोलेगी, कोई नई बात थोड़ी बोल रही थी। इनको कैमरा के सामने कुछ करने को शर्म आती है। रूम के अंदर कुछ भी करेंगी, जहाँ पे रोजी रोटी है वहाँ कुछ नहीं करेंगी। और क्या, इनको कॉम्प्रोमाइज करने की आदत होगी, और रातों रात लखपति बनने का। इंडस्ट्री में आए हुए 6 महीने हुए नहीं, लोखंड वाला में फ्लैट हो जाएगा, 2-4 महीने में गाड़ी आ जाएगी, हो गई सेट। बिल्कुल सही बोल रहे बॉस, बिल्कुल सही बोल रहे। और हमको देखो, टाइम पे भाड़ा भी नहीं दे सकते। दाल है तो चावल नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं। क्या है दादा, अपनी अपनी किस्मत है, इसलिए इंडस्ट्री में सबसे बना के रखने का, न जाने कौन कब काम आ जाए। एक काम करते, तब तक दूसरा सीन करते। चलिए। आ जाएगी, आना होगा तो। चलिए। अबे पकड़ना जल्दी। ए, चलो उधर शिफ्ट कर। चलो। ठीक है। जयराम जी की साहब जी। नमस्ते। साहब मेरे को भी ना फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है, क्या मेरे को काम मिलेगा? इससे पहले कभी काम किया है फिल्मों में? नहीं फिल्मों में तो नहीं, लेकिन हाँ नौटंकी में जरूर किया है। एक काम करो, वो खड़े हैं राइटर डायरेक्टर साहब। सर अबे टेक 3 लिखना इधर, उनसे जाके मिलो, वही तुम्हें कुछ काम दे सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जाना जब वो फ्री हो, वरना बहुत चिल्लाएंगे। अरे साहब फिल्म तो आपकी है ना, आप ही तो हीरो है ना, तो काम तो आप ही देंगे, वो क्यों देंगे? अरे बाबा तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, फिल्मों में काम प्रोड्यूसर डायरेक्टर देते हैं, डायरेक्टर का ही काम होता है फिल्मों में काम देना, समझी? किसे देना है किसे नहीं ये सब उनका टेंशन है, हम तो सिर्फ काम करके पैसे लेते हैं बस। तेरे, हम तो समझे थे कि फिल्म हीरो की होती है, हम तो कब से तुमसे मिलने के लिए वहां लाइन में खड़े थे। अब आप जाइए उनसे मिलिए, वही बताएंगे आपको काम मिलेगा या नहीं। ठीक है साहब, जय राम जी की। जय राम जी। सर उसको फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रही है, और मैसेज भेजा था कब का डिलीवर हो गया सर, फिर भी उसका जवाब नहीं आया। सर आप कहो तो एक नई लड़की आई है, दिखाऊं? दिखा। ये रही उसकी तस्वीर सर, आप कहें तो अभी बुला लूं सर। पहले क्या काम? सर लड़की बड़ी बिंदास है, मैंने एक फिल्म में काम दिलाया उसको, क्या बोल्ड सीन देती है, कमाल। ठीक है फिर भी बात क्लियर कर लेना,
ABCDE तक, बाद में टेंशन नहीं मांगता मेरे को सेट पे, बहुत नखरे दिखाती है। सर उसका कोई टेंशन नहीं, मेरी जवाबदारी है। तो ठीक है, उसको रात को बुला लेना पैकअप के बाद। जी सर। यस सर। या उसको फोन कर। ठीक है सर। दादा हाँ, राइट टॉप से कैमरा पेन करते ये लड़की एंट्री करती है। अरे फिर तुम बीच में आ गई, साइड में खड़ी रहो। साहब आपसे कुछ बात करनी है। हमें भी फिल्मों में काम करना है। अरे ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, और इतने जल्दी काम नहीं मिलता फिल्म लाइन में, बड़े बड़े धक्के खाने पड़ते। साहब साहब मैं खाऊंगी, चाहे जितने भी धक्के खाने पड़े, पर मुझे काम करना है। इस लाइन में बड़ा बोल्ड रहना पड़ता है, और तुम्हारी सेंस थोड़ी छोटी होती है, और तुम अपना ये भारतीय कल्चर को छोड़ नहीं सकती। यहाँ पर मॉडर्न ख्यालात के लोगों का ही काम है, और वैसे भी तुम्हें फिल्मों की ABCD तो पता है नहीं। साहब मैं सीख लूंगी ABCDE, फिर तो काम देंगे ना। देखो दूर से ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, जब अंदर आओगी तब पता चलेगा असलियत क्या है, तब पछताओगे जैसे हम लोग आज पछता रहे। इस चक्कर में मत पड़ो और अपना जाके तांगा चलाओ, चलती हुई रोजी रोटी को लात मत मारो, समझे? नहीं साहब, कुछ भी छोटा मोटा काम दे दीजिए ना। देखो छोटे मोटे काम से कुछ नहीं होता, लड़कियों की लाइफ 5 से 10 साल की होती है, एक बार जवानी ढल गई तो फिर कोई नहीं पूछता, सारे अरमा आंसू में बह जाते हैं, जिंदगी नरक बन जाती है, और तो और समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी, और वैसे भी तुम्हारा इस लाइन में कोई गॉडफादर तो है नहीं। तो साहब आप ही मेरे गॉडफादर बन जाइए ना, आप जो कहेंगे मैं सब करूंगी। जब इतना समझाने में भी ये नहीं समझ रही तो क्या करें। ठीक है तो तुम ऐसे नहीं समझोगी, एक काम करो पैकअप के बाद होटल में आके मिलो, ठीक है? जाओ अब जाओ। ठीक है साहब, मैं आपको होटल पे आके मिलती हूँ। जयराम जी के साहब जी। हाँ क्या बोल रहा था? आप बोल रहे थे कि जब हम लेफ्ट से राइट पेन करेंगे ना तो ये राइट से लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट नहीं है। सॉरी सर, एक बात बोलूं सर? बोलिए। लड़की बहुत अच्छी है, लेनी है? नहीं नहीं, चल धन्नो। मैं तो कहता हूँ कि आप इस लड़की को ले लो, एक नया लुक मिल जाएगा, फेस कट भी उसका अच्छा है, और रही बात एक्टिंग की, कुछ एक्टिंग में 19-20 रह जाएगा तो आप तो है ही, वो तो करवाई लेंगे। ठीक है देखते, शाम को आ रही है होटल में, अगर ABCDE मान गई तो बना देंगे हीरोइन। ठीक है ठीक है, चलो अभी शिफ्टिंग कर। हाँ, चलो शिफ्टिंग। देख क्या रही, चलो अंदर चलो। कमीनो, मैंने तुम्हें एक लड़की उठाने को कहा था, तुम वो भी नहीं उठा सके। क्या वो टुनटुन थी या गुड्डी मारुति थी? मैंने तुम्हें माधुरी को उठाने को बोला था, वो भी तुम नहीं कर सके। वो मेरे हाथ लग गई तो समझो पूरा गांव मेरा है, जमीन जायदाद हवेली, समझ गए तुम लोग? सरदार हम तो उठाने ही वाले थे, लेकिन बीच में वो वीरू आ गया। अबे कमीनो, मैंने बसंती को उठाने नहीं बोला था, माधुरी को उठाने बोला था, ये वीरू कहां से आ गया? जय वीरू तो शोले में थे। पता नहीं सरदार, लेकिन वो अपना नाम वीरू ही बता रहा था। लगता है ठाकुर ने फिर उसे बुलाया मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन सरदार नाम तो कोई भी रख सकता है, किसी का, इसको कौन रोक सकता है? हम रोकेंगे हम। वो वीरू हो तो मैं गब्बर बन जाऊंगा। सुअर के बच्चों जाओ जाओ और पता करो उसका दूसरा साथी कहाँ है। ठीक है सरदार, अभी पता करता हूँ मैं। सरदार कालिया सांभा बन के जाए या किसी और नाम से? कमीनो मेरी बराबरी करते हो, मैंने नाम बदला तुमने नहीं, निकल जाओ यहाँ से, निकलो। सबके सब नाकारा है। करेक्ट, वेरी गुड। दादा सीन ओवर। दादा इधर आ। कैमरामैन कहाँ है? वो जरा फोन पे बात कर रहे हैं, आप शॉट बताइए तब तक मैं लाइटिंग करता हूँ ना, आ जाएंगे। यार दो दो मिनट में फोन पे बात करते रहते, सेट पे फोन पे बात करने आते हैं काम करने आते हैं? सर कुछ अर्जेंट। राउंड ट्रॉली आवाज मत करो, राउंड ट्रॉली लगाओ जल्दी इधर। ए ट्रॉली लगाओ, लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ। स्टिल यस सर। आओ इधर। उस लड़के के जरा 3-4 क्लोज ले अच्छे से। उस लड़के का सर? आ जाओ जाओ ले लूं। जाओ जल्दी। बोल क्या सीन है सर? ये सीन करना है तो क्या करूँ, मैं करूँ या तू करेगी?
आर्टिस्ट को देखा है, जल्दी जा। ओके सर। दादा ब्रेक। बेकार लड़की, एक्टिंग तो आती नहीं। सर आ गए, सर आ गए। क्या हुआ, सीन दे दिया उसको? जी सर दे दिया। जाओ बोलो उसको टेक करेंगे। ओके सर। कम ऑन फास्ट, क्या देखती हो? मैडम रेडी हो गए? बस एक मिनट। अरे जल्दी करो, सर ने कहा है टेक करना है। बस हो गया एक मिनट। रेडी? रेडी सर। एक्शन। इसको नीचे कहाँ जाएगी? पकड़, भागने नहीं पाए। बस रुक रुक धनो, आ गई होटल। चल चल भाग, पकड़ पकड़ और जोर से। पकड़ो पकड़ो उसका। जयराम जी की। हाँ जोर से जोर से जोर से। जयराम जी की साहब, छोड़ मुझे। जयराम जी की। एक मिनट माधुरी इधर आओ। यस सर। तुम इस काले और सांबा के साथ रिहर्सल करो, तुम्हें बाद में बुलाता हूँ। जाओ उनको रिहर्सल करो, कम ऑन जल्दी आओ बैठते हैं। अरे आओ बैठो, खड़ी क्यों हो? शुक्रिया साहब जी। क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब बसंती। क्या शोले पिक्चर देख के नाम रखा है बसंती, और ऊपर से तांगा भी चलाती है, पूरे कैरेक्टर में रहती हो बसंती के, और घोड़े का नाम भी धन्नो ही होगा। हाँ साहब जी, मैंने भी घोड़े का नाम धन्नो ही रखा है, और मुझे ना फिल्मों में काम करने का बचपन से शौक था। अच्छा? मुझे फिल्मी लोग बहुत पसंद है। तुम्हें फिल्मों के बारे में नहीं पता, यहाँ पर लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है। हाँ साहब, आप जो भी बोलेंगे मैं सब करूँगी, मुझे फिल्मों में काम करना है। फिर सोच लो एक बार, यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं होती, अगर तुम्हारी इच्छा है तो होता है सब कुछ। हाँ साहब, मैं भी कोई छोटी बच्ची थोड़े ही हूँ, जो भी करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी। एक बार आप काम देखे तो देखिए, आपको खुश कर दूंगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, तो पहले फिल्मों की ABCD ही समझ लो, अगर ये सब मंजूर है तो आगे बात करते। बताइए साहब। ए का मतलब होता है एक्टिंग, बी का मतलब होता है बोल्ड सीन, और सी का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज, डी का मतलब है दोस्ती। बोलो तुम्हें मंजूर है? जी साहब मुझे सब मंजूर है। अच्छा तो ये बताओ, ABCD में से पहले क्या करना चाहती हो? मैं तो पहले टी को करना चाहूंगी। अच्छा? ताकि आगे का काम आसान हो जाए। मेरा मतलब है पहले दोस्ती करना चाहूंगी। ओह वेरी गुड। अब आपकी बारी है, आप बताइए आप क्या करना चाहेंगे ABCE में से। अच्छा ये बात है, चलो मेरे साथ। चलिए। अब समझो तुम हीरोइन बन गए। लेकिन साहब जी अभी तो ABC बाकी है। बी और सी अभी करते हैं, ये पब्लिक के लिए रखते हैं, समझ गए? कल सुबह ही तुम्हारा फोटोशूट है, इसके बाद ये लाइन से सब दे देना, और जो मैंने तेरे को सब ड्रेसें निकलवाई ना वो फटाफट फटाफट चेंज करा देना इसको। ठीक है? ठीक है सर। दादा रेडी? जी सर रेडी। दादा इधर, थोड़ा टाइट क्लोज लो, थोड़े मिड शॉट लो, एकदम सेक्सी लुक आना चाहिए, समझ गए? फटाफट दादा। जी सर। जल्दी आइए मैडम, पोज बनाइए जरा। बाल पीछे ले यार, और कुछ ऐसा पोज बनाना यार, कुछ ऐसा रोमांटिक सेक्सी लुक, एकदम ग्लैमर दिखना चाहिए यार। दिखा जरा। लीजिए सर। कौन सा वाला? सर ये ऊपर वाला। साहब जी मुझे भी दिखाइए ना। साहब जी मुझे भी दिखाइए ना। अरे पहले काम तो करो यार, स्टील तो खींचने, तो बाद में दिखाएंगे, रात को आना होटल में दिखाएंगे। दादा एक क्लोथ ले लो, फिर ड्रेस चेंज कराते, जल्दी फटाफट। लुक अप।
थोड़ा लेफ्ट। जन साहब अब इसको हटा। हाँ बोलिए सर। नई लड़की है, इस पे आप रिस्क ज्यादा मत लो। सर देखिए आपको मेरे पे भरोसा है ना? हाँ हाँ वो तो पूरा है। आपका नुकसान होगा मैं भर कर दूंगा, प्लीज आप बैठिए काम करने दीजिए। ओके ठीक है ठीक है। बीच बीच में आ जाते यार, पैसा लगाते तो क्या हो गया। जी सर। यह है बसंती और यह है वीरू। जय राम जी की। जय राम जी। बसंती थोड़े एक दूसरे से घुल मिल जाओगे ना तो काम करने में आसानी होगी, समझ गए? दोनों कंबाइंड फोटोग्राफ दे दो हॉट। जी साहब जी। टोन चेंज करो यार। जी साहब जी क्या होता है यार, हीरोइन बना रहा हूँ मैं तुमको, इतनी बड़ी रिस्क ले रहा हूँ प्रोड्यूसर से। आओ चलो जल्दी फटाफट दादा, फटाफट जल्दी करो यार। तो फिर क्या बोलूं साहब जी? तुम अभी बात मत करो, पहले फोटोग्राफ दो यार। अभी हीरोइन बनी नहीं और दिमाग खराब कर दे, जल्दी फटाफट। दादा जरा लो एंगल लो। यस सर। क्विक जल्दी करो यार। लाइट मैन बहुत अच्छे। और दादा पानी पिला यार। कमाल के बहुत फास्ट काम करते हैं। अच्छा ना। अरे सर हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। दादा यस सर। एक काम करो जी, स्क्रिप्ट को थोड़ी चेंज करो। ठीक है। इसका टाइटल रखते हैं मैं हूँ बसंती तांगेवाली। लड़की बड़ी बोल्ड है। क्या बात। इसे टाइटल रोल करवाते हैं जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गया सर। अभी लिखता हूँ और लिख कर दिखाता हूँ आपको फटाफट। फास्ट मेरे को फास्ट चाहिए जी। चलो चलिए। ठीक है। ऐसे क्या करोगे? सीधा चल। अरे तो बोलिए ना, चलिए ना आगे। अबे कमीनो, अभी तक पता नहीं लगा सके कि दूसरा कहाँ है। सरदार हमने पूरा गांव छान मारा लेकिन पता ही नहीं चला उसका। मुझे लगता है वो अकेला ही आया है। अरे कमीनो तुम किसी काम के नहीं रहे, तुम्हें हराम की खा खा के चर्बी चढ़ गई है। अबे काम मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन सरदार तुम कैसे जाओगे, गांव में तो अब घोड़ी भी नहीं है। अबे कमीनो क्या बकवास कर रहे हो, कहाँ गई घोड़ी, क्या हुआ घोड़ी को? सरदार वो ऐसा हुआ कि मेरे घोड़े के साथ घोड़ी भाग गई और मेरा घोड़ा कह रहा था कि आप तो सारा दिन पहाड़ पर बैठे रहते हो और आपको डाका डालने की जरूरत क्या है, और एक साल हो गया मेरा पगार भी नहीं दिया। अबे कमीनो दे देंगे दे देंगे, उसे समझा नहीं सकते, मार्केट में मंदी चल रही, जाओ मालिक के आओ। ठीक है सरदार। जय राम जी की साहब। जय राम जी की। जय राम जी की। मैडम सर ने आपके लिए पूरी स्क्रिप्ट चेंज करवा दी और तो और फिल्म का टाइटल भी चेंज करवा दिया। अब आप इस फिल्म की हीरोइन हैं और इसका टाइटल रोल कर रही हैं, बसंती तांगेवाली। वाह मजा आ गया। आप देखना मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि सारी पब्लिक देखती रह जाएगी, मैं ना सबको खुश कर दूंगी। जरा हमारा भी ख्याल रखना, हम भी खड़े हैं राहों में। अरे हीरो तो तुम हो मेरे, ध्यान तो तुम्हें रखना होगा मेरा। अरे बब्बन को जब ये पकड़ने जाएगा तो तुम भी तो साथ जाओगी। ये क्रेन वाले क्या सुस्त आदमी यार, क्रेन फिटिंग करने को इतना टाइम लगाते, रख जल्दी। अबे जल्दी फिटिंग करना क्रेन को। चल लीजिए ना सर। लो चलो। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। सर मुझे एक मराठी फिल्म मिली है, उसकी शूटिंग अगले महीने है। सर आपको तो मराठी आती है ना? सर मुझे भी थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे? हाँ क्यों नहीं, रोज एक एक दो दो वर्ड सीखोगे ना तो जल्दी पिकअप कर लोगे। सर बताइए ना कुछ वर्ड्स अगर टाइम हो तो। हाँ क्यों नहीं, जैसे याद है तो आठवण है, भूल गया तो विसर गया, पहाड़ है तो डोंगर है, रास्ता है तो वाट है, ये चार वर्ड याद करो, यू पिकअप कर लो। ठीक है।
हाँ सर बुलाया आपने। हाँ इधर तेरे कितनी बार बोला मेरे सामने कैप पहन के नहीं आने का। सॉरी सर। उस लड़की को ड्रेस पहना और जल्दी लेके आ। अभी लेके आता हूँ। जा जल्दी जा। तुम जाओ कपड़े खोलो मैं आता हूँ। क्या सर? अरे मेरा मतलब है तुम कपड़े चेंज करके बैठो, कुछ काम होगा तो बुला लूंगा। ओके सर। ओके बाय सर। बाय सर। क्रेन रेडी हो गई, चलो टेक करते। चलो ए बुला उस लड़की को जल्दी। अरे बॉस आपका क्या काम है, आप बैठो ना इधर यार। आखिर प्रोड्यूस रूम है। मैडम आप रेडी हो तो जल्दी कीजिए, सर ने बुलाया है। हाँ मैं रेडी हूँ, बस एक मिनट। दादा जल्दी करो ना। मैडम बस एक मिनट, बाकी के कपड़े मैं आपके रूम में रख देता हूँ। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबनम है। और आपका नाम? जी मेरा नाम बसंती। बसंती मैं तुम्हें कुछ बातें समझाती हूँ जिसे तुम याद रखना। सबसे पहले जाके कैमरे को प्रणाम करना, उसके बाद डायरेक्टर को, और बाकी सब लोगों से भी प्यार से पेश आना। जरा भी घमंड और गुरूर किया ना तो इस लाइन में टिक नहीं पाओगी, समझी? अरे नहीं मैडम, मैं तो एक मामूली सी तांगे वाली हूँ, मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ। घमंड गुरूर ये क्या होता है मुझे क्या पता, आप मेरे बारे में बेफिक्र रहिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस जनरल बात है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ और कुछ नहीं। प्रणाम साहब जी। ओ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम साहब जी। जीती रहो जीती रहो। अरे मैंने कहा जयराम जी की बोलो सबको। बसंती जी साहब तुम एक काम करो, वीरू के पास जाओ। ठीक है साहब। दादा एक रिहर्सल करते हैं उसके बाद टेक। ओके सर। रेडी फास्ट फास्ट दोनों रेडी? यस सर। एक्शन। बसंती तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो पूरा गांव मुझे बसंती कहकर बुलाता है, लेकिन ये नाम मेरा मेरी मौसी ने रखा है। अच्छा है। बसंती तुम्हारे घर में और कौन कौन है मौसी के अलावा? मेरी मौसी के अलावा कोई नहीं है। मेरा तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है? नहीं, सबको मार डाला उस कमीने डाकू बब्बन सिंह ने। लगता है सारा गाँव उसका दुश्मन है। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें बंदूक चलाने सिखाता हूँ। ए लो बंदूक, ये उंगली यहाँ पर रखो और इस तरह से निशाना लगाते हैं। बंदूक सिखाने के बहाने तुम चांस मार रहे हो। अरे नहीं बाबा, कहीं डाकुओं का सामना हो जाए तो तुम्हें बंदूक चलाने आनी चाहिए। वीरू तुम्हारी शादी हो गई? हाँ हो गई। और तुम्हारी? नहीं हुई। अच्छा है तुम्हारी शादी हो गई, वरना वही पुराने घिसे पिटे डालो। बसंती मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे तुमसे शादी करनी है। फिर मेरे लिए टंकी पे चढ़ जाओगे और चिल्लाओगे मौसी कोई मेरी शादी करा दो, हाँ वगैरह वगैरह। बसंती तुम गांव में रहकर बड़ी अच्छी बातें करती हो, बड़ी समझदार हो। अच्छा बताओ तुम शादी कब कर रही हो, बताओ बताओ ना। नहीं मैं शादी करके किसी के गले की घंटी नहीं बनना चाहती, मैं हमेशा आजाद रहना चाहती हूँ। बस एक ही तमन्ना है मेरी कि आखिरी सांस में निकले तो शूटिंग करते करते सेट पर ही मरना चाहती हूँ। अच्छा तुम्हें इतना शौक है एक्टिंग करने का, तो मेरी एक बात मानना, तुम कभी प्यार वाले चक्कर में मत पड़ना। अरे बाबा ये प्यार यार कुछ नहीं होता, सब दिखावा है, प्यार में सिर्फ पछतावा ही होता है, सब एक ही चक्कर में रहते हैं। हाँ सही कहा तुमने, प्यार का मतलब ही सैक्रिफाइस होता है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि सबसे दोस्ती रखने का और अपने काम से काम रखने का। ओके बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अबे घोड़ा नहीं यार छोड़। दादा शिफ्टी जाओ सीन दो। मैडम आपका लंच ब्रेक। देखो वीरू ये वही जगह है। अच्छा यहीं से आते हैं उसके आदमी। तुम्हें पक्की खबर है कि यहीं से आते हैं उसके आदमी? अरे बाबा झूठ थोड़ा ही ना बोलूंगी, एक आदमी आता है और बब्बन के आदमी उससे बैग लेकर चले जाते हैं। इसका मतलब हम उसके पीछे पीछे उनके अड्डे तक पहुंच सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, वो देखो वो आ रहे हैं बब्बन के दोनों आदमी कालिया और सांबा, चलो छुप जाते हैं। चलो चलो चलो। बड़ा अजीब है यार सरदार, ये चेक कर लो। लाओ मैं चेक करता हूँ। सुनो जी चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ठीक है। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है जयराम जी की। चल कालिया थोड़ी थोड़ी ताड़ी पीते हैं। चल
कालिया ऐसा लगता है आज सरदार हमारा पगार दे देगा। अरे चल जल्दी, नहीं तो सरदार हम पर चिल्लाएंगे। और उसके लिए माल लाते हैं। ए ताड़ी वाले भैया, एक लीटर ताड़ी देना। अच्छा बाबू। बैठ यार कालिया, ला भाई जल्दी करना, बहुत थके हारे हुए हम। दे रहा हूं बाबू। जल्दी पिला दे यार। चेस। और डाल यार। ठीक है बाबू। माल असली है, मजा आ गया। जल्दी लाना यार, जल्दी कर यार, ला ला। अरे ला यहाँ पे यार, तू भी। लगता है ये बेवड़े अब जल्दी उठने वाले नहीं हैं। अब क्या करें, हमें इंतजार करना पड़ेगा। तुमने कभी ताड़ी पी है? नहीं, शहर में बहुत कम मिलती है ताड़ी। बियर विस्की यही सब ज्यादा मिलती है। ताड़ी पियोगे? बहुत अच्छी होती है, उससे पेट साफ रहता है। तुम पीती हो ताड़ी? हाँ बाबूजी, गांव में तो सिर्फ ताड़ी ही मिलती है, मैं भी पीती हूँ कभी कभी। तुम पियोगे? लाऊं मैं? हाँ पियूंगा, लेकिन तुम्हें भी पीना पड़ेगा। ठीक है, तुम वहाँ बैठो, मैं ताड़ी लेकर आती हूँ। सामने एक और है ताड़ी वाला। लेकिन चखना भी लेके आना साथ में। सिर्फ चना मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है बाबा, जो भी मिले ले आना। बस कर यार, चढ़ जाएगी तो ठाकुर चिल्लाएगा। अरे छोड़ ना यार ठाकुर को। वीरू ये लो, चखना भी है। ग्लास निकालो, दोनों में डालती हूँ। Cheers. अरे ऐसे क्या पी रहे हो बच्चे की तरह? ताड़ी है, विस्की थोड़े ही ना है। चलो फटाफट पी जाओ। अगर चढ़ गए मुझे तो तुम्हें उठा के ले जाना पड़ेगा मुझे घर तक। अरे कुछ नहीं होगा, हल्का सा सुरूर आएगा बस। और फटाफट पी जाओ, दूसरा ग्लास बनाती हूँ। Thank you.
दे, हंस के हाँ बोल दे, हंस के हाँ बोल दे। कैसा हो गाना? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वाकई लड़की ने तो कमाल ही कर दिया यार। सर, लो आ गई। अब मैं जाऊं? नहीं, मैंने कहा था ना शूटिंग जब तक खत्म नहीं होती तब तक यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है सर, तो मैं अपनी बहनों को चारा पानी डाल के आता हूं। तुम उसका टेंशन मत लो, स्पॉट बॉय साहब कर देगा। तुम चलो हमारे साथ। ठीक है सर। अबे तुम खड़ी क्यों हो, बैकअप हो गया, जाओ यहां से। जी सर। आइयो जल्दी। साहब जी, मेरा बिल। दादा मेरा बिल लीजिए ना। दादा क्या सब लोग एक साथ आ जाते हो? चलो जाओ, बाद में पेमेंट करूंगा। चलो जाओ, ऐसे ज्यादा केतली गरम। दादा आओ। ए राजू। यस सर। राजू। जी सर। फर्स्ट एक काम करो, किसी बॉय को बोल के इसकी घोड़ी को चारा पानी खिला दो। ठीक है सर। और मैडम को अपना कमरा दिखा दो। यस सर। दादा के बाजू वाला। यस सर। जाओ। आइए मैडम। अरे बसंती। हाँ सर। तुम एक काम करना, फ्रेश होके मेरे रूम में आ जाना, खाना साथ में खाएंगे। ठीक है सर। ओके सर, बाय बाय। ये आपकी पहली फिल्म है? हाँ सर, नहीं तो चांस दिया है। आपकी एक्टिंग देख के लगता ही नहीं आप नहीं है, आप कमाल की एक्टर हैं। थैंक यू। आप अपनी फोटोग्राफ देना, एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन में मेरी बात चल रही है, मैं वहाँ आपकी बात करूँगा। ठीक है। कैमरामैन मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करूँगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिल्म तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की होती है, काम तो वही देते हैं। हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर की होती है, लेकिन कैमरामैन भी मैन होता है। यहाँ सबसे बना के रखना पड़ता है, न जाने कौन किस वक्त काम आ जाए, कुछ नहीं बोल सकते। प्यार से सबसे रहने का। ये रहा आपका रूम, और बाजू में दादा का रूम है। कुछ काम हो तुम मुझे बुला लेना, मेरा रूम नंबर है 420। 420? लेकिन मेरी धन्नो के साथ 420 ही मत करना, उसे चारा पानी जरूर खिला देना। वो अब मेरा काम है, प्रोडक्शन वाले का, उसकी फिक्र मत करना। ओके बाय। बाय जयराम। बाय। खिला दे, और जो भी लगे उसको खिलाना, हीरोइन की घोड़ी है। बराबर इसका ख्याल रखना।
दादा सर का टिफिन रेडी है? चकना उकना बराबर डाल दिया है ना? नहीं तो सर बहुत चिल्लाएंगे। सर आ जाओ, बैग रेडी है। आ रहा हूं। और क्या हाल है? बस फर्स्ट क्लास सर, बस एकदम फिट है, फिट है सर। आपका बैग रेडी है सर। लीजिए लीजिए। चीयर सर। नमस्ते सर। नमस्ते दादा। अरे नमस्कार। आ गए बैठो। क्या लोगे? पानी दे दादा, कितना कड़क पैक है। क्या हुआ है? क्या लोगे? विस्की, बियर, रम या और? नहीं कुछ नहीं। एक पैक ले लो, थकान मिट जाएगी। नहीं सर, शराब तो कभी नहीं पी मैंने। गांव में ताड़ी मिलती है। हाँ कभी कभी ताड़ी जरूर पी लेती हूँ। आज विस्की पी लो, कल ताड़ी मंगाएंगे। ठीक है, आप कहते हैं तो पी लेती हूँ। दादा पैक बनाओ। वेरी गुड। हेलो। चीयर। 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 एक पैक और बनाओ। ठीक है। अच्छा दादा आ जाओ अंदर यार। यार बसंती तुम कहाँ की रहने वाली हो? इसी गांव की रहने वाली हूँ दादा, यहीं पली बड़ी हूँ। बसंती तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं है सर, बस मैं और मेरी मौसी। अच्छा सर मैं चलता हूँ, गुड नाइट। अरे रुको यार, इतना खाना कौन खाएगा? थोड़ा कुछ खा के जाओ। कौन खाएगा? नहीं दादा, एक लव शिप और बनाओ। अरे नहीं बॉस, आपके लव शिप के चक्कर में ना मेरी हालत खराब हो जाती है। सुबह जल्दी उठता है, नहीं तो आप ही चिल्लाओगे। ओके बॉस, गुड नाइट। गुड नाइट बसंती। ये टल्ली संभाल के। हाँ मैं संभाल के। अब आप संभालना इसको। सर एक पैक और बनाओ। हाँ बनाओ, और तुम्हारा भी बनाओ। मुझे भी बंदूक चलाना सिखाओ ना, मैं भी उस बबन से बदला लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ इधर। ये लो बंदूक पकड़ो और एक आंख मारो। क्या? मेरा मतलब एक आंख बंद कर लो। अच्छा। और एक आंख से देखो और अब गोली चलाओ। सीन पढ़ लिया? जी सर। किधर देखता है तू? माधुरी कहाँ से आ रही हो तू? हम कितने टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। सर वो थोड़ी सी बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी वीरू के साथ। अच्छा तो तुम भी लग गई उसके पीछे? यहाँ काम हम देते, पैसा पानी हम देते और ऐश उसके साथ कर रही हो। जाओ जल्दी रिहर्सल करो। सॉरी सर, टेक करते हैं ना, फुल मुड़े देने का शॉट। ए ड्रेस क्या प्लेयर है? कल है सांबर रेडी? यस सर। तुम लड़की को उठा के लेके आते हो और यहाँ पर डालते हो और दोनों उसके साथ रेप करते हो, लेकिन एकदम रियल लगना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं, समझे? नहीं तो दो दो कान के नीचे बजाऊंगा। सर सर रियल में रेप करना है क्या? अबे बेवकूफ, रियल एक्टिंग चाहिए। लंगोट पहना है ना? हाँ सर पहना हूँ। रेडी एक्शन। दादा सीन ओवर। स्पोर्ट दादा लस्सी लेके आ रहे। कितने जोर से करते हो। क्या हुआ, लगा तो नहीं ना आपको कहीं? नहीं नहीं। सर इसके बाद ये सीन। इधर आ मेरी माँ, सर पे मत खड़ी रहे। सर यू आर हैप्पी? ठीक है। स्पोर्ट पानी ला। क्या सर अभी भी नाराज है?
नाराज नहीं यार, मुझे काम के वक्त फालतूगिरी नहीं चाहिए, पैकअप के बाद कुछ भी करो। सॉरी सर। ठीक है, तो आज पैकअप के बाद मिलूं सर? क्यों, आपने तो कहा था पैकअप के बाद कुछ भी करो। अच्छा ठीक है, पैकअप के बाद रूम में आना, साथ में पियेंगे। ठीक है सर। दादा हाँ, ए पेन दे। लीजिए सर। जा जल्दी लाइट करवा। एक काम कर, तू और रिफ्लेक्टर पे जा, मैं इसको देखता हूँ, जा। दस तारीख से फ्री है तू? हाँ सर। आउटडोर चलोगी मेरे साथ? हाँ चलूंगी। मालूम है फिल्म लाइन में क्या होता है? सब पता है मुझे। अच्छा? हाँ जी। एक काम करना, पैकअप के बाद मेरे को मिलना, मैं तेरी सेटिंग करवा देता हूँ। ठीक है। अब जा, जा। दादा क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं सर, हो गया हो गया हो गया। टेंशन मत लो, ठीक है, सब हो जाएगा, ये सब चलते रहता है। सर सीपी के डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं आपसे मिलने के लिए। अरे बुलाना डिस्ट्रीब्यूटर, तो हमारे भगवान होते, जल्दी बुलाओ। यस सर। ए स्पॉट दादा, एक कुर्सी लो। क्या देखती तू? सर आ गए। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ नमस्कार साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। राजू। यस सर। एक काम कर, कुछ ठंडा नाश्ते वास्ते का प्रबंध कर, जा जल्दी फटाफट। जी सर। और कितनी शूटिंग बाकी है सर? बस ये क्लाइमेक्स चल रहा है, इसके बाद एक रोमांटिक गाना, फिर पैकअप। सर रोमांटिक सीन वगैरह है ना? हाँ है ना, पब्लिक को जो चाहिए ना पूरा मसाला है। ओके सर। इस बार लोकेशन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लिया है। जबरदस्त सर। आपकी लास्ट फिल्म है ना, मजा नहीं आया, कमजोर गई, और हीरोइन का एक्सपोज भी नहीं था, हीरोइन भी खास नहीं थी, इसीलिए बहुत नुकसान हो गया। उस फिल्म का जो भी नुकसान है ना, वो इस फिल्म में पूरा कर ले। ठीक है, क्या होता है, गलती इंसान से ही होती है। चलिए सर, शॉट रेडी है। एक काम करो, तुम रिहर्सल करो, मैं आता हूँ। ठीक है सर। आप इनका ध्यान रखिए, चाय नाश्ता करवाइए, तब तक मैं गाना स्टार्ट करूँ। श्योर श्योर। चल काले, कम ऑन कम ऑन, जल्दी फास्ट। चलो मास्टर जी गाना लगाओ जल्दी फटाफट। अच्छा रहो सर।
मजा आ गया साहब, गाना मस्त हुआ। थैंक यू जैन साहब, मान गए आपकी चॉइस को, हीरोइन तो वाकई में कमाल की है। थैंक यू, चलो अंदर चलते। हाँ चलिए, चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। ए राजू, जल्दी आ रहा है, ऐसी ढीली क्या चलती है। सीन नंबर 27 का जो पहले रेसल किया था ना। हाँ। कौन सा? वो जो गन चलाने वाला। हाँ वो ही। तुम बंटी के साथ रेसल करो, जाओ जल्दी। ओके सर। कमल, अरे पानी पिलाना है बबलू। दादा बैठो। अरे हटाना यार। दादा मैं क्या बोलता हूँ, आज पेकअप के बाद तुम्हारे रूम में बैठेंगे, लेकिन खंबा मंगा देना। ठीक। दादा क्या है, आज मैं माधुरी के साथ सेट हूँ, तुम बसंती के साथ सेट हो जाना। लेकिन वो मेरे साथ सेट होगी क्या? अरे यार साथ में बैठ के पिएगी तो पूछ लेना, देगी तो ठीक, नहीं तो कौन सी जबरदस्ती है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, बहुत आधे इंडस्ट्री में कौन सा ठप्पा लगा कर गया उसी का। सर एक काम करते, पहले ट्रॉली रिहर्सल करते, उसके बाद टेक करते। ठीक है। अरे शबनम आर्टिस्ट को बुलाओ जल्दी। ओके सर। ए काली इधर। जी सर। बैठ दे, जा जल्दी बुला। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है राउत साहब? ठीक है सर। अरे स्पॉट दादा एक कुर्सी लाओ, बैठिए। और कैसा चल रहा है सर? बस चल रहा है ठीक। भोजपुरी गाना डालकर बहुत अच्छा किया। क्या करे सर, ऐसी पिक्चरें दिल्ली यूपी साइड ही चलती, तो मैंने सोचा क्यों ना एक भोजपुरी गाना डाल दूं। बहुत अच्छा किया। थैंक यू, मजा आ जाएगा। दादा जल्दी जरा फटाफट। हाँ। यार ये कान में जो पहना है वही था ना? हाँ वही है। टॉप पिंक है और स्कर्ट वाइट। हाँ। ठीक है। ओके चलो, हो गया तुम्हारा? हो गया सर। चल जाओ। अरे उधर से जा, इधर से क्या जा रही? सॉरी सर। माधुरी तुम फ्रेश होके मेरे रूम में आ जाना, कुछ गेस्ट आए। ठीक है जी सर। जाओ जल्दी फटाफट। सारे एक्सपोज पे लेबल लगा दो, दो डिब्बा रख लेना, जब माल मिलेगा तो देना। क्या बोल रहा? कुछ नहीं सर, एक्सपोज पे लेबल की बात करा। ए राजू इधर आ, जाओ उस बसंती को बुला के ले जा। बॉस गाने में मेरी लाइटिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। अवार्ड मिलेगा तुम्हें, पब्लिक तुम्हारी लाइटिंग नहीं देखेगी, लड़की को देखेगी। कैसी की जैसे कुछ दिखता है क्या, कैसी हुई मेरी लाइटिंग? बात करता है। सर बुलाया आपने? बसंती तुम फ्रेश होके दादा के रूम में आ जाना। ठीक है सर, अभी आती हूँ। ओके सर, तो मैं चलूँ? बाय 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 बाय। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अरे प्यार से बोलेगा तो बोलना ही पड़ेगा ना भाई। चलो अभी चलो। दरवाजा खुला है, आओ बैठो। अच्छा बसंती, ये तो बताओ तुम्हें गाना कैसे लगा? मुझे तो अच्छा लगा, पर थोड़ा सा और हुट होता ना तो मजा आ जाता। ऐसे गाने में ना पब्लिक बाहर उठकर बीड़ी पीने चली जाती है। ड्रेस थोड़ा सा और सेक्सी होता ना तो पब्लिक को बांध के रखती थी। लेकिन इससे ज्यादा ड्रेस सेक्सी होता तो शायद सेंसर पे गाना पास ही नहीं होता और पब्लिक तक पहुंचता ही नहीं। क्या करें, सबकी मजबूरी है ना। लेकिन तुम जा कहां रही? सर ने बुलाया है, लेट हो गई ना तो मुझे भी डांट पड़ेगी माधुरी के जैसे। लेकिन सर अब नहीं डांटेंगे क्योंकि अब पैकअप हो गया, इसलिए आओ ना थोड़ी देर। क्या हुआ बसंती? उठो उठो मुझे लेट हो रहा है। सर ने बुलाया था, कोई आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी,
ठीक है मैं चलता हूँ। गुड नाइट बसंती। गुड नाइट। हेलो दादा। ओ हेलो हेलो। फ्रेश हो गए? यस। ओके। सर नहीं आए? आ रहे आ रहे। बस बस। चेयर। बसंती, फिश खाती हो? हाँ खाती हूँ। आज शुक्रवार है ना? हाँ। मैं गुरुवार को नहीं खाती। वाह। ओ सर आइए ना बैठिए। आइए सर आइए। और दादा? सर आपके लिए पैक बनाऊं? बनाओ। बस बस लाइट बना यार इतना। सॉरी सर। पेप्सी? पानी पानी। धीरे पीना टाकी। दादा चखना क्या खोलो ना। सर इसमें फिश है इलिज। सर वो गेस्ट लोग आए हुए उनको कहाँ बिठाऊं? मेरे सर पे बिठा। मेरी रूम में बिठा। और सुन लड़के को बोलना चखना और खाना बना रखे। सब तैयारी कर मैं आता हूँ जा। जी सर। और सुन इतना लड़के को बोल ठंडा पानी लेके आए। ओके सर। सर एक पैग और बनाऊं क्या? क्यों एक पैक पीने से दुश्मनी होती क्या? अरे नहीं मेरे बाप। बसंती। जी सर। तुम बैठो। हाँ। मैं जरा गेस्ट को कंपनी देता हूँ। ओके सर। खाना इधर ही खा लेना। ठीक है सर। ओके दादा एंजॉय योरसेल्फ। अरे सर थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट। बसंती अरे जरा खुल के बैठो। ओके दादा पहले ही खत्म करो फिर पीते हैं दोनों एक एक पैक साथ में और फिर खाना खाते हैं। नहीं मेरा पेट तो चखने से ही भर गया। मैं नहीं खा पाऊंगी। आपको दे देती हूँ। क्या दोगी? जो चाहिए वो। अच्छा वाह। तो फिर अंदर चलते चलो। और बताइए सर क्या प्राइस रखी है सीपी बरार की? प्राइस प्राइस का क्या है जो भी है लगा लेंगे। ठीक है सर कोई बात नहीं लीजिए। ओके सर यू कंटिन्यू हैव अ गुड टाइम। ओके ओके सर बाय बाय बाय। इसको फिक्स कर। ये तू हट ना रे लाइटिंग करने देना। मेकअप बाद में करना। ये सेंटर ले उसको। ये लेने उसको। ठीक है। क्या बात है दादा कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है यार। बसंती लगता है दादा को ज्यादा ही खुश कर दिया रात को। नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो एक पैक पीकर चली गई थी रात को। सर क्लोज शॉट है इसलिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ना सर। मुझे सिकारा क्लोज है इसी बहाने पास में खड़े रहने का मौका मिलता है क्यों? चलो रेडी फटाफट। अरे दादा बहुत हो गया जल्दी करो यार। सर एक मिनट सर। क्या एक मिनट एक मिनट? प्रोड्यूसर हमारी मारता है इधर। रात को आओगी ना? नहीं सर चिल्लाएंगे अगर उन्हें पता चल गया तो। ये वो दोनों आप कर। सर शॉट रेडी। क्या हुआ गुस्सा हो गए? नहीं तो डांस करने का मूड कर रहा है। चलिए सर शॉट रेडी है। स्टार्ट साउंड एक्शन। नाराज क्यों होते हो? मैं तो मजाक कर रही थी। कट। क्या गलत डायलॉग बोल रही हो यार? डायलॉग देना सर। दादा वन मोर एक और लेते। ठीक है रेडी। दादा ये मास्टर शॉट है क्लोज नहीं। एक मिनट सर। फिर जा रहा है उसके पास। प्रोड्यूसर हमारे सर पे बैठा है इधर। वो रिफ्लेक्टर और ये दोनों को मैडम को सेंटर में लेके फिक्स करो। सॉरी ना। अच्छा बाबा अब तो ठीक है। दादा मेरा एक काम करोगे?
आज रात मेरे लिए ताड़ी मंगा देना ना, विस्की में मजा नहीं आता मुझे। ठीक है, मंगवा देंगे ताड़ी, पैकअप के बाद मिलते हैं ना। ओके सर। ओके बाय। सर शॉट रेडी हो गई सेटिंग आज रात की? नहीं हुई सर, क्या बात कर रहे। एक्शन। क्या हुआ आज उदास क्यों लग रहे हो? ओके कट इट। क्या बात है वीरू, आज मुंह लटकाए क्यों बैठा है? बोल तो मैं तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ। अरे बसंती, ऐसी कोई खास बात नहीं है। एक तो बप्पन का बच्चा मुझे मिल नहीं रहा है इसलिए परेशान हूँ, और दूसरा एक डायरेक्टर का फोन आया था, कह रहा था बड़ी फिल्म है, पैसा भी अच्छा मिलेगा, करोगे क्या? अरे वाह, ये तो खुशी की बात है, इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? डायरेक्टर कहता है कि मुझे खुश करना होगा, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बोल दे उसको हीरोइन मुझको ले ले, तेरी कॉम्प्रोमाइज की प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगी। अरे उसको लड़की नहीं लड़का चाहिए। हाँ? कॉम्प्रोमाइज वो कराएगा। हाँ? अरे दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, आदमी आदमी के साथ। हाँ हाँ, जैसे औरत औरत का होता है वैसे आदमी आदमी का। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन चाहिए सभी को यही। अरे कोई नई बात थोड़ी है, जमाने से चला आ रहा है, तुमने आज सुना इसलिए तुम्हें आश्चर्य हो रहा है। चल ठीक है, मेरे लिए भी देखना कोई छोटा मोटा रोल, मैं कुछ भी करूंगी। ठीक है आप चले। चलिए। अरे उसको सेंटर ले उधर। कैमरामैन से ज्यादा मेहनत तो तुम करते हो यार। क्या कह रहे साहब, अपना काम ही अच्छा है ना। तो हंसता क्या करना। सर सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे कितने? बस 1000। बस 1000 जी। इसमें भी नहीं, थोड़ा काम है चलेगा? हाँ चला लेंगे सर। हाँ? ये 10 रुपए थोड़ा ही कम है ना सर। अरे वाली दिख रहा है, इसको छोड़ सब इधर छुप जा, इधर छुप जाता है, छुप जा, आज इसको नहीं छोड़ेंगे। वीरू जाने से पहले अपना फोन नंबर और एड्रेस जरूर देकर जाना, आज शूटिंग का आखिरी दिन है ना, पता नहीं कल मिल पाएंगे या नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ए लो मेरा कार्ड, जब तुम मुंबई आओगी तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। ठीक है, शहर जाके कहीं मुझे भूल मत जाना, वरना फोन करूंगी तो कहोगे कौन बसंती। अरे नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या, इतने दिन साथ रहने के बाद कोई किसी को भूल सकता है भला। अब तुम भी मोबाइल ले लो, मैं तुम्हें फोन करूंगा, कुछ काम होगा तुम्हारे लिए तो। हाँ बहुत जल्दी ले लूंगी मोबाइल और फिर तुम्हें फोन करके अपना नंबर दूंगी। ठीक है अब चलें। हाँ चलो। चल धन्नो। सरदार आपका शिकार। सरकार अब हमारी पगार मिलेगी कि नहीं? क्यों नहीं, जरूर मिलेगी, अब मजा आएगा ठाकुर। वो शहरी लौंडा अपने आप यहाँ चलकर आएगा, बहुत लड़वाया तूने मेरी चम्मक छल्लो, बहुत लड़वाया। छोड़ देता मिनी, मेरे बाबूजी को पता चलेगा तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। सरदार इसको छुड़ाने ठाकुर जरूर आएगा, लेकिन उस शहरी लौंडे का कोई भरोसा नहीं। सरदार एक काम करते हैं, बसंती को भी उठा कर लाते हैं, तब वो शहरी लौंडा जरूर आएगा। वाह सांबा, क्या अकल की बात की है, जाओ बसंती को उठा कर ले आओ, सुना है बड़ी करारी चीज है। सरदार नमक से ज्यादा तेज और मिर्ची से भी ज्यादा तीखी, बड़ी करारी है सरदार, हुक्म कर दो एक बार। सरदार इसका पगार तो दे दीजिए। बसंती को ले आओ, दोनों का पगार साथ में दूंगा। जी सर। तब तक मैं इस छम्बक छल्लो को नचवाता हूँ। चल रुक धन्नो। अरे ठाकुर साहब।
प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम। वीरू तुम्हें कहा था हमारी बेटी का ख्याल रखना, और हमें बब्बन चाहिए किसी भी कीमत पर। तुम्हें किस काम के लिए बुलाया था और ये तुम क्या काम कर रहे हो? ठाकुर साहब कहाँ है माधुरी और क्या हुआ माधुरी? उसको बब्बन के आदमी उठा के ले गए। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो बसंती। रुक जाओ, तुम उसे नहीं मारोगे, तुम जिंदा उसे पकड़ के लाओगे, समझे? जिंदा। जी ठाकुर साहब। अब तो दोनों की पगार मिल जाएगी। सही बोला, चल। खूब मजे ले रहा है वो तो। उसको मजा भी लेने, हमारा भी दिल है। वीरू, वो है कालिया सांभा। सांभा, बसंती। अरे भाग, वो शहरी लौंडे के साथ है। चल भाग, भाग जल्दी भाग। चल धन्नो, आज दोनों का भाग भाग भाग। कालिया जल्दी जल्दी। चल धन्नो, आज दोनों को चिंता नहीं छोड़ना। नमस्ते धन्नो। बच गए यार, बाल बाल बच गए। बता कमीने, बता कमीने चला दूंगी। बता अंदर है। कमीने क्या माधुरी? एक काम करो, तुम यही रुको, मैं अंदर जाता हूँ, लेकिन जब मैं सिटी मारूंगा तब तुम अंदर आ जाना। ठीक है। चले शिफ्ट कर उसको उधर, रिफ्लेक्टर को। कब तक असिस्टेंट में काम करोगी? डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। जी सर। कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हूँ, मेरे से शाम को पैकअप के बाद मिलना, मैं सेटिंग करूँ। ओके सर। चलो दादा, कराओ ना लाइटिंग जल्दी यार। जब देखो तब चिल्लाता रहता है। इधर क्या बोल रहा था? दादा ने मुझे शाम को मिलने के लिए बोला है। उसके चक्कर में मत आना, घुमा घुमा के छोड़ देगा, जिंदगी बर्बाद। ओके सर, ठीक है। जा। चलो गया तेरा, जा। बसंती, यहाँ से क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है। बबन आता है। अबे हटा रे छतरी, अंधे करने देगा। बबन आता है, तुमको उठा के ले जाता है किसी सुनसान जगह पर, और वहाँ जाके तुम्हारा रेप करता है। आज? आज नहीं, ये सीन कल करेंगे। ओके दादा, पैदा रिफ्लेक्टर ऑफ कर। अरे मेरा मीटर संभाल के रख लेना। आ बसंती बैठ, ताड़ी पीते हैं। ताड़ी? आखिर तुम भी सीख ही गए ताड़ी पीना। अब क्या करें, गांव में ताड़ी ही मिलती है, नहीं तो साल में वही बियर विस्की यही सब पीते हैं। चल निकल। क्या निकल? ताड़ी साहब जी। ताड़ी अच्छी, ले लो। वैसे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शहर में ना ताड़ी नहीं मिलती है ना। ठीक है, मैं यहाँ से तांगा लेकर तुम्हें ताड़ी देने आया करूंगी। ठीक है, आ जाना। चीयर्स। और दो साहब जी। हाँ ये लो साहब जी, मुझे ना ताड़ी बहुत पसंद है। सचमुच? हाँ। अब मैं रोज पिलाऊंगा ताड़ी। अरे छोड़ो ग्लास साहब जी, ताड़ी पीने का असली मजा तो ऐसे है। Thank you.
प्रताप जी। हाँ हाँ चलो। आओ माधुरी आओ, बैठो बैठो बैठो। कुछ पियोगी या पी के आई हो बॉस के साथ? बॉस का तो दरवाजा बंद था, मैंने सोचा यहाँ पे होंगे, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। अरे यहाँ नहीं है तो कहीं गए होंगे कुछ काम से। चलो पैक बनाओ, बनाओ। आप खत्म करो, साथ में बनाएंगे। हाँ। सच बोल रही हो? हाँ। अरे अरे इतना छोटा सा पैक? हाँ सर, मैं इतना ही लेती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या बात है दादा, आज बहुत रोमांटिक मूड में आप। चीयर्स। चीयर्स। दादा जो आप फिल्म कर रहे हैं उसमें मेरे लिए एक रोल निकल गया ना, आपकी तो अच्छी सेटिंग है। अरे माधुरी पहले मेरे साथ तो सेट हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी करवा दूंगा वहाँ पे सेटिंग। बोलिए ना कहाँ पे सेट हो जाओ, आपके गोद में बैठो। अरे नेकी और पूछ पूछ, जहाँ दिल करे वहाँ के सेट हो जाओ। अरे बसंती। जी सर। जी सर। तुम तांगे से उतर कर आउट हुए थे ना? हाँ। अब अंदर जाते हो और माधुरी को बचाते हो। ओके सर। ठीक है। ओके सर। तुम यही खड़ी हो। ठीक है। दादा टेक करते। रेडी सर। जाओ। अरे काले जरा डायलॉग देना। ये हो गया था, अब ये करते। ओके सर। दादा रेडी एक्शन। माधुरी माधुरी कहाँ तू, माधुरी कहाँ तू, माधुरी माधुरी कहाँ तू, कहाँ तू माधुरी, माधुरी कहाँ चले गए तू, माधुरी 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 कहाँ तू, कहाँ तू, तू माधुरी माधुरी कहाँ तू, कहाँ तू माधुरी, कहाँ तू, कहाँ तू। मैं यहाँ पे हूँ। माधुरी क्या हुआ, माधुरी तुमको, माधुरी क्या हुआ? उस बब्बन ने मेरी इज्जत लूट ली, अब मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। नहीं माधुरी ऐसा मत कहो, मैं उस कमीने को जान से मार दूंगा। कहाँ है वो? उस तरफ गया था। चलो मेरे साथ। अरे वाह, शिकार खुद चल के यहाँ पे आया। चुपचाप चलना नहीं तो तेरी होली यहीं पे बना दूंगा। बबन छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। वीरू, 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 बचाओ मुझे। कोई नहीं आएगा बचाने। रुक जा बबन, वरना गोली चला दूंगा। होस्टेज और बसंती। बबन जाओ वीरू, तुमने कसम खाई है तुम उसे जिंदा मेरे हवाले करोगे, ये शिकार मेरा है। ओह
वादा पूरा हुआ। ठाकुर साहब, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब हम चलते हैं। ठीक है वीरू, अब तुम जा सकते हो। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम। चलो बसंती, चलते हैं अब। जय राम जी की ठाकुर साहब। जय राम जी की। बाबूजी। रो मत बेटी, मैं हूँ ना बेटी, रो मत बेटी, मैं हूँ। वीरू। हाँ? चलो मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ देती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे स्टेशन छोड़ोगी? चलो इसी बहाने स्टेशन का सफर सुहाना हो जाएगा। लेकिन एक बात है बसंती, मैं तुम्हें जिंदगी भर याद करूंगा कि मिली थी बसंती तांगे वाली।